आज मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि उस बच्ची ने अपने दादाजी के गुजरने के बाद अनुभव किया। और न सिर्फ अपने दादाजी को, बल्कि दादाजी की दो स्वर्गीय बहनें भी थीं, किस तरह से वो भी उनके साथ थीं, उन्हें भी देखा, और जो उनके दादाजी के द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया कि बेटा दरवाज़ा बंद कर लो, उस निर्देश को भी उस बच्ची ने सुना और उसे फॉलो किया। ये जो बच्ची की स्टोरी है वो उनकी माता जी सुना रही हैं। पूजा जी, इस अनुभव को आप सभी के साथ शेयर कर रही हैं। सिस्टर, मैंने ना पता नहीं आपका फेस देख के आपका एक नाम रखा है। अब मुझे नहीं पता वो आपका नाम है या नहीं है, मैंने आपका नाम अमिता रखा है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे देख के ऐसा लगा जैसे आपका नाम अमिता हो। तो मतलब अमिता का अर्थ भी बहुत सुंदर होता है वैसे तो। और मैं इसलिए आपसे कह रही थी कि अगर मैं अगर आप कहेंगी तो मेरे और भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि पता, ये जो चीज़ें होती ना, ये पारलौकिक चीज़ें, सच बताऊं तो मैं उन्हीं में ही, मतलब ये जो बाहरी वाली जो दुनिया है ना, उसमें तो दुखी दुख बहुत ज़्यादा है, परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं। तो एक एक है ना, पता है मैं तो इस चीज़ से भी खुश होती हूँ कि परमात्मा ने बहुत सुंदर चीज़ बनाई है मृत्यु, मौत, कि कम से कम एक चीज़ किसी की एंड तो होती है ना। मतलब अगर एक ही जन्म हमेशा रहता तो कितना ज़्यादा दुखदाई होता। तो ये भगवान ने जो सिस्टम बनाया ना, तो कितना अच्छा सिस्टम बनाया कि एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर जाते हैं। तो पता है मेरे को तो, मतलब हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं। तो मैं तो ये चीज़ सोचती हूँ कि भगवान एक दिन ज़रूर आएगा कि इस जन्म की सारी परेशानियाँ, दिक्कतें सब खत्म हो जाएगी। जैसे होता है किसी स्पिरिचुअल उसके अंदर जीना, तो मैं तो इनको इतना बिलीव रखती हूँ। एक एक्सपीरियंस और है, मैंने तो आपका नाम अमिता ही रखा है सिस्टर, वो मेरी बेटी का एक्सपीरियंस है। वो मैं आपसे एक और बात और शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी है भव्या, तो जब मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो रात, मतलब हमारा जो घर था वो बन रहा था उस समय, और मैं अपनी जेठानी जी के यहाँ शिफ्ट हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में मेरे फादर इन लॉ के साथ थे, और मेरे फादर इन लॉ की बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी, और बस कुछ ही समय था जब डॉक्टर ने कहा था कि ये नहीं बचेंगे। तो इतना ज़्यादा, मतलब वो टाइम बहुत ही ज़्यादा अजीब सा था, बहुत परेशानियों वाला था। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड और मेरी जो मदर इन लॉ थी वो हॉस्पिटल में थी, और मेरी अपनी जेठानी जी के यहाँ आई हुई थी, और हम दो घर की दो बहुएं हैं, दो बेटे ही हैं बस। तो वो साइड वाले मकान में उनकी, साइड वाले रूम में उनकी फैमिली सो रही थी, और मैं अपने दोनों बेटियों के साथ बराबर वाले रूम में ही थी। तो मेरी जो बड़ी बेटी थी उस समय वो 7th क्लास में थी, और छोटी थी, 7th क्लास का बच्चा ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, तो वो छोटी थी, 7th क्लास में थी। और मेरी छोटी बेटी तो और भी छोटी थी, वो तो 1st क्लास में थी, और ये बात है 2014 की। तो रात को अचानक ही, जैसे होता है ना कि वहाँ पर कुत्तों ने बहुत अजीब सी आवाज़ में रोना स्टार्ट कर दिया, तो डर भी लग रहा था, एक अजीब सी रात भी थी वो। तो मैं और मेरे बच्चे मतलब सो रहे थे, तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी बेटी, हम ही एक ही बेड पर सो रहे थे, मेरा जो फेस था वो मेरी छोटी बेटी की साइड था। तो तब जैसे ही मैंने अपनी बड़ी बेटी की तरफ घूम कर देखा तो वो बैठी हुई थी बेड पर, और मुझसे बोलती है कि वो देखो बड़े पापा हॉस्पिटल से आ गए। वो अपने दादाजी को बड़े पापा कहती थी। तो मैंने बोला कि बेटा कहाँ है बड़े पापा, बड़े पापा तो नहीं है। कहती वो देखो सामने, देखो चंपा के पेड़ के नीचे बड़े पापा बैठे हुए हैं, और साथ में वो भी हैं। मैंने तो मैंने बोला कौन, उनकी दोनों बहनों की डेथ हो चुकी थी, और उस समय कुत्ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा ये सुनना। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो मुझे प्रॉपर बताने लगी कि नहीं नहीं देखो ऐसा लग रहा है कि ना वो बड़े पापा को घेर के खड़ी हैं, और पीछे से भी कोई आया है,
वो मतलब सीढ़ियों की तरफ से नहीं आया, पीछे से छत पर था वो रूम, तो कोई पीछे से और एक और जना आया है और वो घेर के बड़े पापा को खड़े हैं और बड़े पापा भी मेरी तरफ देख रहे हैं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा इसको पता नहीं क्या दिख रहा है। तो मैं राम जी की पूजा करती हूँ तो मैंने राम राम बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा बेटे ये सब ऐसे मत बोल, ये सब ऐसे मजाक नहीं करते ऐसी इस तरह से। कहती नहीं मम्मी मुझे सच में दिख रहा है। और इसने मुझे ये भी बोला कि जो बड़े पापा की बहनें हैं वो चल नहीं रही, वो थोड़ा सा फ्लोर से थोड़ी सी ऊपर उड़ रही है। तो मुझे इतना अजीब लगा ना। उसके बाद इसने क्या बोला कि बड़े पापा मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, जाओ कमरे का दरवाजा बंद कर दो। वो बोल नहीं रहे, सिर्फ उन्होंने मुझे इशारा किया और मैं समझ गया। और ये खड़ी हुई और इसने कमरे का डोर बंद कर दिया। और मैंने फिर इसको थोड़ा डांट के सुला दिया। मैंने कहा अब सो जाओ, अब इस तरह की बातें नहीं करते छोटे बच्चे, क्योंकि मुझे भी फील होने लगा था कि शायद इसे कुछ दिख रहा है। थोड़ी देर बाद, ठीक आधे घंटे बाद, मेरी जेठानी जी ने बताया कि पापा की डेथ हो चुकी है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, हम और जब हमने पता किया था तो ये वाली बात है कि 4 बजे की ये वाली बात है जो मेरी बेटी ने मुझे बोली थी, और लगभग 3:30 बजे के करीब पापा की डेथ हो गई थी। यानी कि एक बार वो हमसे मिलने आए थे। तो मैं तो सिस्टर बहुत ज़्यादा मानती हूँ इन चीज़ों को, बहुत बिलीव करती हूँ। और एक नहीं पता नहीं कितनी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे सिर्फ ऐसे ही ऐसे बस हम मतलब मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, जो सिर्फ मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो ये भी मैं आपको मतलब मेरे मन में थी ये वाली बात भी आपको बताने की। आज मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि उस बच्ची ने अपने दादाजी के गुजरने के बाद अनुभव किया। और न सिर्फ अपने दादाजी को, बल्कि दादाजी की 2 स्वर्गीय बहनें भी थीं, किस तरह से वो भी उनके साथ थीं, उन्हें भी देखा, और जो उनके दादाजी के द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया कि बेटा दरवाज़ा बंद कर लो, उस निर्देश को भी उस बच्ची ने सुना और उसे फॉलो किया। ये जो बच्ची की स्टोरी है वो उनकी माता जी सुना रही हैं। पूजा जी इस अनुभव को आप सभी के साथ शेयर कर रही हैं। सिस्टर मैंने ना पता नहीं आपका फेस देख के आपका एक नाम रखा है। अब मुझे नहीं पता वो आपका नाम है या नहीं है, मैंने आपका नाम अमिता रखा है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे देख के ऐसा लगा।